मैं आप समझे मैं क्या कह रहा हूं कि पराए आंसू से आंख को नम कर रहा हूं। अब अगली पंक्ति पर अंदर से कुछ आए तो वहां करना कि पराए आंसू से आंख को नम कर रहा हूं मैं। भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं। क्या भरोसा जान भी तू कह रहा है वो तो बहुत दिन का भरोसा करवाना चाह रहा है पर मैं क्या करूं कि भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं। और इस ठाकुर के माहौल में दो पंक्ति का दर्द समझ जाए पिछले तीन साल का इस देश का चाहे कोई नेता हो तो अपनी पार्टियों से अलग हटकर तालियां बजाकर बताना कि भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं। वाह वाह। बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में। क्या लाइन है हाथ खोलना वो वाला अगली पंक्ति पर। बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं। लाइन है भाई वाह वाह क्या अच्छी बात है। उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं। अब चार पंक्तियां सुनिएगा बिल्कुल जवान हमारे जो नए लड़के लड़कियां यहां हैं उनके लिए सुनाता हूं कि किसी के दिल की मायूसी जहां से होके गुजरी है किसी के दिल की मायूसी। कांग्रेस के लोग भी बैठे आप बिल्कुल दुखी ना हो अच्छा चल रहा है आपका बहुत अच्छा चल रहा है। कर्नाटक में जो आपने कमाल की मतलब पहली बार आपने ऐसी कड़ी बनाई है जिसमें लहसुन पड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है इनका नेता सीख रहा है अच्छी बात है। कांग्रेस का भविष्य बहुत अच्छा है उसके पास 48 साल का युवा नेता है नहीं ये बहुत अरे हद है प्रधानमंत्री युवा हो सकते तो वो बहुत अच्छे है बस एक गड़बड़ उनके साथ है कि वो चुनाव लड़वाने के बाद अचानक 15-20 दिन गायब हो जाते हैं फिर वो मिलते नहीं है फिर अखबार में खबर छपती है उत्तराखंड के जंगलों में देखे गए जैसे आप ये छपते ना कि देवास के बाहरी इलाकों में तेंदुआ देखा गया फिर वो आके इंटरव्यू देते हैं कहते हैं नहीं नहीं मैं उत्तराखंड नहीं गया था मैं बैंकॉक गया था चिंतन करने मुंह वालों कसम खा के कह रहा हूं मैं एक दर्जन बार बैंकॉक जा चुका हूं वहां कुछ भी हो सकता है चिंतन नहीं हो सकता और जो वहां होता है अगर उसे चिंतन कहा जाता है तो काफी चिंतनीय बात है कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के बिल्कुल जरूर सुनाऊंगा आप हाथ ना जोड़े आप मैं ही सुना दूंगा बहुत अच्छे एक कविता की मांग आई है तो अच्छी बात है कविता मांगी इन्होंने। मैं कोटा में संचालन कर रहा था 2 लाख की भीड़ थी इधर से पर्ची आई कि रामलाल जहां कहीं हो घर चले जाए इधर से रामलाल दो दिन से उसकी लुगाई बोली बैठ जा मैं तो देख रही थी यही आया कि कहीं और गया है में चलता रहता है। और ये आप जो चिंतित थे मदन मोहन सिन्हा जी चिंतित थे देश जागे ये करे ये लड़का भी चिंतित था देश वैसे ही अपना ठीक है आराम से चलता रहता है बिल्कुल प्राप्त प्रेम से चलता है। अब बुलेट ट्रेन जिस दिन बुलेट ट्रेन चलने की बात हुई कि बुलेट ट्रेन चलेगी 2 लाख करोड़ खर्च हो गए आपने टीवी पे देखा हो वो टीवी पे चैनल में एंकर बैठ जाती है रात को 5 बजे शाम को 6 बजे और वो लखनऊ के नवाबों की तरह 2 तीतर पकड़ लाती है एक इधर कांग्रेस का मुर्गा एक इधर भाजपा